बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपना 55वां जन्मदिन अपने परवेल स्थित फार्म हाउस में अपने पूरे परिवार के साथ मनाया। आपको बता दें, सलमान खान ने रात 12 बजे फार्म हाउस के बाहर आकर मीडिया के सामने एक छोटा सा केक काटा। सलमान खान ने कहा कि इस बार कोरोना को देखते हुए सादगी से जन्मदिन मना रहे हैं और पूरे देश में बुरे हालात को देखते हुए इस बार भव्य तरीके से जन्मदिन मनाना बनता भी नहीं है। कोलांचल के धनबाद पुराना बाजार में जूनियर सलमान के नाम से लोग जिसे पुकारते हैं सूरज ने भी हर साल के भांति इस साल भी सलमान खान का 55वां सालगिरह मनाया। आपको बता दें, पंसिल प्लाजा के दुकानदारों के साथ केक भी काटा गया। वहीं मौके पर सौरभ खान ने मीडिया को बताया कि सलमान भाईजान 55 साल के हो गए और यहाँ बंसी प्लाजा पुराना बाजार में हॉलीवुड मेंस वेयर है, उसमें देखिए हम लोगों का एक छोटा सलमान यहाँ पे है और लगातार पिछले कई वर्षों से ये सलमान खान का बर्थडे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। और देखिए, सलमान खान सिर्फ इंडस्ट्री के ही भाईजान नहीं है, वो आज के युवाओं के आइकॉन है, चाहे वो फिटनेस का मामला हो। और एक महत्वपूर्ण चीज़, जैसे हम लोग सामाजिक वर्ग से आते हैं, भाईजान का एक ह्यूमन बीइंग संस्था चलती है जो जरूरतमंदों को, मजबूर लोगों को बीइंग ह्यूमन वो मदद करती है। तो भाईजान कई तरह से आइकॉन है, अगर इंडस्ट्री में उनके एज ए हीरो के तौर पर देखा जाए तो आइकॉन है, फिटनेस के मामले में देखा जाए तो आइकॉन है, एक दयालु और एक सच्चे और एक अच्छे इंसान है। और आज की सेलिब्रेशन भाईजान के नाम पर है। आज देख रहे हैं भाईजान को 55 साल हो गए हैं और हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही यहाँ पे खुशी का माहौल है, समझिए एक फेस्टिवल है यहाँ भाईजान की तरफ। और यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स हैं, समझिए क्या, ऑल फ्रेंड्स आर सेलिब्रेट, सब प्यार है भाई लोग का, हमको सलमान भाई बना दी, लेकिन सलमान भाई देखिए सलमान का फैन है। सलमान का बिग फैन, सबसे पसंदीदा जो आपको पसंद आता सुना दीजिए। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए।